हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग आप सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, तो ये क्लास नई है, यानी इस क्लास की शुरुआत आप लोगों के लिए किया गया है ताकि आप लोग झारखंड के करेंट अफेयर्स तो डेली देखते ही हैं सुबह 5 बजे वाली क्लास में, लेकिन उनका रिविजन कहाँ पे करेंगे। और जो करेंट अफेयर्स हम लोग ऑलरेडी पहले देख चुके हैं 2021 में, 2022 में, 2023 में, जनवरी फरवरी में, तो उनका रिवीजन हम लोग कहां पे करेंगे, वो करंट अफेयर्स हम भूल जाएंगे। इसीलिए इस क्लास को लाया गया है ताकि आप इस क्लास के माध्यम से, इस क्लास के जरिए करंट अफेयर्स का रिवीजन कर पाए। सुबह 5 बजे वाली क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं और इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो दोनों क्लासेस अलग अलग हैं। ठीक है, चलिए क्लास को हम लोग शुरू करें, क्लास को शुरू करें। आज हमारी पहली क्लास है तो आज हम लोग थोड़े अच्छे से जानेंगे। इसके बाद जैसे जैसे क्लास हमारी आगे बढ़ेगी हम लोग और डिटेल में और डीपली करंट अफेयर्स के बारे में रिवीजन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को, टेलीग्राम पे सभी क्लासेस के पीडीएफ मिल जाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, ये तो नॉर्मल बात है। बाकी जो लोग पहली बार विजिट किए हैं इस चैनल पे, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि ये क्लास झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में नहीं देखेंगे, बल्कि इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। अगर आपको डेली झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में जानना है तो आप सुबह 5 बजे वाली क्लास में आए। इस क्लास में हम लोग उन करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे जो करंट अफेयर्स हम लोग पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं, क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, आज का हमारा पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, झारखंड के किस संस्थान के द्वारा अंधेरे में दिखने वाला पेंट जो है वो बनाया गया है। देखेंगे क्वेश्चन को, झारखंड के कौन से शिक्षण संस्थान कहेंगे, कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा अंधेरे में दिखने वाला पेंट, ठीक है, अंधेरे में दिखने वाला रंग जो है वो बनाया गया है। तो इसके सही आंसर की बात करेंगे क्या होगा, IIT ISM। और ये जो करंट अफेयर है ये 2021 का करंट अफेयर है। 2021 में हम लोग देखे थे कि IIT ISM के द्वारा एक पेंट का निर्माण किया गया था और इस पेंट को आप अंधेरे में देख सकते हैं, इस पेंट को आप अंधेरे में देख सकते हैं। अब ये पेंट कैसे काम करता है इसके बारे में भी जानेंगे कि सर अंधेरे में अगर हम इस पेंट को देख सकते हैं, ऐसे आपके घर में कोई पेंट होगा और लाइट आपकी ऑफ रहेगी तो आप उस पेंट को नहीं देख पाएंगे, लेकिन इस पेंट को आप लोग देख सकते हैं। तो कैसे ये काम करता है, इस पेंट को जब आप किसी चीज पे कलर करेंगे और देन आप अगर वहां पे लाइट ऑन करेंगे तो ये पेंट जो है क्या करती है, लाइट को एब्जॉर्ब करके रख लेती है। ये पेंट लाइट को एब्जॉर्ब करके रख लेती है। जब इसके पास लाइट एब्जॉर्ब हो जाता है और आप लाइट को ऑफ कर देते हैं, वहां पे अंधेरा हो जाता है, फिर ये लाइट को क्या करती है, जब एब्जॉर्ब किए हुए रहती है तो वो लाइट जो है शो होने लगता है। ये जिस लाइट को एब्जॉर्ब करके रखती है तो लाइट इसके पास स्टोर रहता है पेंट के पास, तो वो जो पेंट है वो शो होने लगता है। तो बात करेंगे इसके सही आंसर की, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, IIT ISM के द्वारा अंधेरे में दिखने वाला एक पेंट का निर्माण जो है किया गया है। तो आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, चलिए धनबाद के IIT ISM में, ठीक है, चलिए धनबाद के IIT ISM में स्थित फिजिक्स विभाग के विशेषज्ञों के द्वारा एक ऐसा पेंट तैयार किया गया है जो सुरक्षा बलों के लिए मददगार साबित होगा। इस पेंट को रंगने से अंधेरे में वस्तुओं को देखा जा सकता है, ठीक है, तो इस पेंट को रंगने से अंधेरे में उस वस्तुओं को देखा जा सकता है, ठीक है। इसका जो निर्माण है, प्रोफेसर जे मानस और प्रोफेसर एस के शर्मा, साथ ही साथ डॉक्टर सौरभ दास, इन 3 लोगों के द्वारा किया गया है। किनके द्वारा, तो इन 3 लोगों के द्वारा आप देख सकते हैं, जे मानस, एस के शर्मा और डॉक्टर सौरभ दास, इनके द्वारा किया गया है। इसमें फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, इस पेंट में फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है जिससे ये पेंट रात में चमकता है या फिर अंधेरे में चमकता है, ठीक है। तो इस पेंट का प्रयोग कब किया जाता है, फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए ये पेंट जो है रात में चमकता है। IIT ISM की बात करेंगे तो IIT ISM के बारे में हम लोग बहुत बार देख चुके हैं,
तो आईआईटी आईएसएम के बारे में फिलहाल अभी नहीं बात करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला करंट अफेयर है, राज्य के कोयला खदानों को अब लाइव नजर कहां से रखा जाएगा। अब देखिए करंट अफेयर की बात करेंगे तो ये सभी करंट अफेयर हम लोग ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, आज हम लोग इसका बस रिवीजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आज हम लोग इसका रिवीजन कर रहे हैं ताकि ये चीजें भी हमें याद रहे। अब बात करेंगे झारखंड के कोयला खदानों की, तो झारखंड के जो कोयला खदान है उनकी देखरेख की जाएगी दिल्ली से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर जाएगा, दिल्ली से। दिल्ली से कैसे? देखिए लाइव नजर रखा जाएगा और दिल्ली के लोगों को ये बताया जाएगा कि खदानों से कोयला जो है किस तरीके से निकाला जाता है, एक व्यक्ति कितनी मुश्किल से खदान से कोयला निकलता है। तो जो शहर के लोग हैं दिल्ली मुंबई, उन सबको तो पता नहीं है कि खदान से कोयला निकालने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए उन लोगों को इसके बारे में बताने के लिए दिल्ली में लाइव जो है दिखाया जाएगा झारखंड के खदानों की। और इसकी शुरुआत 2021 में किया गया था। कब किया गया था? 2021 में। तो ये डिटेल आप देख सकते हैं, झारखंड के खदानों को अब जो है खनन की प्रक्रिया उन्हें दिल्ली में दिखाया जाएगा, ठीक है। कोल इंडिया के द्वारा इस पहल को शुरू किया गया है। कोल इंडिया की पहल से नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, जिसे NCSM के नाम से जाना जाता है, उनके द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र के कृत्रिम खदान को मूर्त रूप से देने जा रही है। यह दिल्ली के प्रगति मैदान में दिखाया जाएगा कि झारखंड के लोग खदान से कितनी मुश्किलों का सामना करके, कितनी किन परिस्थितियों का सामना करके जो कोयला है वो निकाला जाता है, ठीक है। झारखंड के लोगों के द्वारा कितनी मुश्किलों का सामना करके कोयले को निकाला जाता है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। दिल्ली में इसका लाइव प्रदर्शन जो है किया जा रहा है, ठीक है, झारखंड के खदानों की। तो झारखंड के खदानों की बात करेंगे, खदानों से कोयले को किस तरीके से निकाला जाता है, इसकी लाइव स्क्रीनिंग जो है दिल्ली में किया जाता है ताकि दिल्ली के लोग भी इसको देख के समझ सके कि कोई व्यक्ति कितनी मेहनत करके खदान से कोयला जो है वो निकालता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में झारखंड के कितने स्कूलों में जनजातीय पढ़ाई को शुरू किया गया है? जनजातीय पढ़ाई झारखंड के कितने स्कूलों में? तो जनजातीय पढ़ाई की बात करेंगे तो झारखंड के कितने स्कूलों में? झारखंड के 250 स्कूलों में। और ये सभी करंट अफेयर्स हम लोग ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, अभी इसका रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि आने वाले जो एग्जाम होंगे हो सकता है कि उन एग्जामों में 2021-22 के करंट अफेयर ही पूछे जाएं, ना कि 23 के, ठीक है। तो झारखंड के 250 स्कूलों में जनजातीय पढ़ाई को शुरू किया गया है, ठीक है। जनजातीय भाषा की पढ़ाई, कौन सी पढ़ाई? जनजातीय भाषा की पढ़ाई। तो आप देख सकते हैं झारखंड के स्कूलों में अब मातृभाषा में शिक्षा मिलेगी। कौन सी भाषा में? मातृभाषा में। इसकी तैयारी झारखंड के स्कूलों के द्वारा कर ली गई है। इसे झारखंड के 6 जिलों में शुरू किया गया है, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, साहिबगंज, खूंटी और सिमडेगा। झारखंड के इन 6 जिलों के 250 स्कूलों में जो जनजातीय भाषा है उस भाषा में पढ़ाई को शुरू किया जाएगा। संथाली, हो, मुंडारी, कुरुख, खड़िया, ये 5 भाषा है, इस 5 भाषा में इसको शुरू किया जाएगा। इसके बाद राज्य के 4,600 स्कूलों में भी इसे शुरू किया जाएगा। इसके लिए 4,600 स्कूलों का चयन भी किया गया है, तो इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे। 250 स्कूलों में क्या क्या गया है? जनजातीय भाषा की पढ़ाई जो है शुरू की गई है। 6 जिले के 250 स्कूल हैं और कितने जनजातीय भाषा? तो 5 जनजातीय भाषा की पढ़ाई शुरू किया गया है, ठीक है। चलिए, झारखंड में शिक्षकों की हाजिरी के लिए यानी शिक्षकों का अटेंडेंस के लिए किस ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा? उस समय इस ऐप की शुरुआत की गई थी, अब इस ऐप का उपयोग किया जाता है। तो झारखंड के जो भी गवर्नमेंट टीचर हैं वो अपना अटेंडेंस बनाने के लिए बायोमेट्रिक करते हैं। बायोमेट्रिक के लिए किस ऐप का यूज किया जाता है? तो इस ऐप का नाम है ई विद्या वाहिनी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ई विद्या वाहिनी। झारखंड के गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को अटेंडेंस बनाने के लिए ई विद्या वाहिनी ऐप का जो उपयोग है वो करते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
तो सरकारी स्कूलों के शिक्षक जो हैं अपनी अटेंडेंस को बढ़ाने के लिए ई विद्या वाहिनी ऐप का उपयोग करते हैं। आप इस ऐप को भी देख सकते हैं, यह है ई विद्या वाहिनी ऐप। और इसी ऐप के माध्यम से झारखंड के जो भी सरकारी स्कूल के टीचर हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी अटेंडेंस को बनाते हैं, ठीक है। और ये आज का हमारा लास्ट करंट अफेयर है। एक दिन में हम लोग 5 करंट अफेयर के बारे में रिवीजन करेंगे ताकि आपको भी ज्यादा लोड ना पड़े और क्लास भी ज्यादा लंबी ना हो, ठीक है। हाल ही में झारखंड के किस नागपुरी शॉर्ट फिल्म को बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट फिल्म फेस्टिवल क्या है बेस्ट फिल्म अवार्ड 2021 दिया गया है। फिल्म फेस्टिवल भी दिया गया था इस फिल्म को। चलिए अभी इसे याद रखेंगे, किस नागपुरी शॉर्ट फिल्म, तो इसे क्या नाम है इस नागपुरी शॉर्ट फिल्म का, बाधा खेत, ठीक है। बाधा खेत एक नागपुरी शॉर्ट फिल्म है और इसे जो है बेस्ट फिल्म अवार्ड 2021 दिया गया था, ठीक है। 2021 में बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया था किसे, बाधा खेत को, ठीक है। नागपुरी शॉर्ट फिल्म है ये बाधा खेत, ठीक है। आप ये देख सकते हैं बाधा खेत, और इसे बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया है 2021 में। तो इस चीज को याद रखेंगे, आने वाले एग्जाम में हो सकता है कि आपसे पूछ दे बेस्ट फिल्म अवार्ड 2021 में किस नागपुरी शॉर्ट फिल्म को दिया गया था, तो बाधा खेत इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, बाधा खेत। तो चलिए फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आज इस क्लास की शुरुआत किए हैं हम लोग, और जिस तरीके से हम लोग सुबह 5 बजे वाली क्लास को बहुत ही डिटेल में अच्छे से देखते हैं, इस क्लास में भी हम लोग सभी चीजों को अच्छे से देखेंगे। फिलहाल तो ये शुरुआत हुई है आज से, आगे आगे हम लोग अच्छे से करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब देख ले, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान जरूर रखें।